हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। ठीक है, तो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने डीएनए वर्सेस प्रोटीन देखा था और आज हम देखेंगे डीएनए वर्सेस आरएनए। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या है। फ्रॉम फॉरगोइंग डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन वर्सेस डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो हमने जो प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था तो वहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया कि जो डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अनइक्वोकली रिजॉल्व फ्रॉम हर्शी केस एक्सपेरिमेंट, कि ये जो हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट था उस वहाँ से हमारा ये कन्फर्म हो गया था 100%। ये अनइक्वोकली मतलब एकदम स्पष्ट हो गया, एकदम क्लियर हो गया, वो भी किसके एक्सपेरिमेंट से, ये हर्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट से। इट बिकेम एन एस्टेब्लाइज्ड फैक्ट दैट इट इज़ डीएनए दैट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। तो क्लियर हो गया था हमारा कि डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल। हाउएवर इट इज सब्सिक्वेंटली बिकेम क्लियर दैट इन सम वायरसेस आरएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कि कुछ वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए होता है। जैसे कन्फर्म तो ये हो गया कि डीएनए होता है, लेकिन कुछ ऐसे वायरस है जिसमें कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। एग्जांपल यहाँ पे देखे दे रखा है, टोबैको मोजैक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ठीक है, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारे सामने दो बैक्टीरिया दे रखा है जिसमें कि आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज वाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल वेयर एज आरएनए परफॉर्म्स डायनेमिक फंक्शन ऑफ मैसेंजर एंड अडेप्टर हैज़ टू बी फाउंड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द टू न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि कुछ में तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन यहाँ से कुछ बात यह भी है कि आखिर में डीएनए ही अच्छा जेनेटिक मटेरियल क्यों है। तो इसके लिए कुछ बातें हैं, तो आइए देखते वो बातें क्या क्या है जिसके कारण डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो दोस्तों, कई बार जल्दीबाजी थोड़ा रीडिंग करने के चक्कर में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए सॉरी। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कह रहा है कोई भी मटेरियल है, अगर वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करना चाहता है, जेनेटिक मटेरियल मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सके, तो उसके लिए उसको कुछ जो बातें हैं उन बातों को फुलफिल करना पड़ेगा। तो वो देखिए वो बातें, वो क्राइटेरिया क्या है। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। ठीक है, कि कोई भी अगर जेनेटिक मटेरियल है उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो खुद का जो है नया रेप्लिकेशन बना सके, नया रेप्लिका बना सके। रेप्लिका मतलब जैसे जो पुराना वाला स्टैंड था डीएनए का, अब उसके जरिए नया स्टैंड बना सके, तो उसको क्या बोलेंगे, रेप्लिका। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, रेप्लिकेशन। ठीक है, पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया। उसके बाद कह रहा है इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल, कि जो जेनेटिक मटेरियल है ये स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत भी कहीं टेम्परेचर चेंज हो जाए या कोई प्रेशर चेंज हो जाए या कोई थोड़ा बहुत इधर उधर का कैटलिस्ट आ जाए तो उसका जो अरेंजमेंट है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि डीएनए क्या है, डीएनए में भी केमिकल्स ही है। यानी कुछ अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो वहाँ पे डीएनए क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे कि यूवी रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, इन सब रेज में डीएनए का जो हेलिक्स है उसमें गड़बड़ी हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा है इतना आसानी से गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, इतना आसानी से उसका जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया या फिर और भी जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड टूटना नहीं चाहिए। क्लियर हुआ इतना आसानी से? तो ये देखो वही लिखा हुआ है कि इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली भी स्टेबल। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज। तो कह रहा है वो जो डीएनए है उसमें थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज कुछ चेंज हो गया फिर कल कुछ और हो गया, परसों कुछ और हो गया, या एक साल में थोड़ा बहुत हो गया, दो साल में। तो चेंजेस तो ज़रूरी है म्यूटेशन के लिए, म्यूटेशन। ठीक है, जो चेंज होता है डीएनए में उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन तो ज़रूरी है किसके लिए, एवोल्यूशन के लिए। एवोल्यूशन मतलब डेवलपमेंट के लिए।
क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आज जैसा वेदर रहेगा वैसा वेदर कल भी रहेगा। तो इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए चेंजेस ज़रूरी है, लेकिन चेंजेस बहुत ही स्लो होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। अब ये मेंडेलियन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो वो कैरेक्टर्स अगर चैप्टर 5 आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे मेंडल के कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, फिर डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। तो ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया जिसके ज़रिए क्या होता है कि कोई भी मटेरियल जेनेटिक होगा या नहीं होगा, तो ये जो सारे क्राइटेरिया है ये कौन फुलफ़िल करता है, डीएनए फुलफ़िल करता है, आरएनए फुलफ़िल नहीं कर पाता है। दैट्स वाई डीएनए इज़ बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। क्लियर हुआ? तो आइए देखते हैं। इफ़ वन एग्जामाइंस ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, कि अगर ये जो सारे पॉइंट हमने 4 पॉइंट देखे ये इसको हम ढंग से देखें, बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटेटरी, बोथ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशंस, कि दोनों के पास डायरेक्ट करने की पावर होता है। द अदर मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। तो कह रहा है ये तो ठीक है कि डीएनए और आरएनए के पास तो पावर होता है डुप्लीकेशन का, डुप्लीकेशन मतलब नया अपने जैसा कॉपी बनाने का पावर होता है, लेकिन जो प्रोटीन होता है प्रोटीन के पास ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है कि मतलब पुराने प्रोटीन से नया प्रोटीन बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रोटीन कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, फिर वो आरएनए के मैसेज के अकॉर्डिंग तब जाके प्रोटीन बनता है। क्लियर हुआ? अब वो कैसे होता है वो प्रोसेस आगे है, चलिए आगे देखते हैं। द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल एज और विद चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो कह रहा है जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग स्टेज के लाइफ में, जैसे बचपन में कुछ और है, जवानी में कुछ और है, बुढ़ापे में कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? चेंजेस तो होना चाहिए लेकिन कैसा होना चाहिए, बहुत ही स्लो, कहीं जाके 10 साल में भी नहीं, कहीं जाके 100 साल 200 300 साल में जाके थोड़ा बहुत चेंजेस हो। ज़्यादा चेंजेस होगा तो ऑर्गेनिज्म ही चेंज हो सकता है। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज वेरी एविडेंट इन ग्रिप्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इट्सल्फ दैट हीट विच किल्ड द बैक्टीरिया एट लीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो कह रहा है एक जो हमने याद है ना वो आर स्ट्रेन आर और एस करके किया था स्मूद और रफ, तो वहाँ पे क्या कह रहा है कि वहाँ पे जो हमने किया था एक्सपेरिमेंट हीट किल्ड वाला, ठीक है ना, तो हीट किल्ड वाले में क्या देखा था कि हीट करने से बैक्टीरिया तो मर गया, लेकिन उसका जो कुछ मटेरियल है वो ख़राब नहीं हुआ। और वो मटेरियल कौन सा था, वो मटेरियल डीएनए था कि जो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ठीक है ना, डिड नॉट डिस्ट्रॉय मतलब वो ख़त्म नहीं हुआ, बाकी तो बैक्टीरिया तो मर गया लेकिन उसका जो डीएनए है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि वो केमिकली स्टेबल है तभी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। दिस नाउ कैन ईजली बी एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ द डीएनए दैट द टू स्ट्रैंड्स बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर व्हेन एप्रोप्रिएट कंडीशंस आर प्रोवाइड। तो कह रहा है कि अगर उसको अगर वो मान लो हट भी गया, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक डीएनए का स्ट्रैंड ये रहा दूसरा ये रहा, अगर मान लो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ टाइम के लिए थोड़ा बहुत हट भी गया तो ये फिर से आके क्या होता है, फिर से चिपक जाता है, ठीक है ना, मतलब फिर से पास पास आ सकता है। वही देखिए लिखा हुआ है, दिस कैन बी ईजली एक्सप्लेन्ड इन द लाइट ऑफ द डीएनए दैट द टू स्ट्रैंड्स बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड, कि अगर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री अगर सेपरेट हो गया हीट के द्वारा तो ये फिर से कम टुगेदर मतलब एक साथ आ जाते हैं व्हेन एप्रोप्रिएट कंडीशन आर प्रोवाइड, कि जैसे उसको एक प्रॉपर कंडीशन मिलता है वो दोनों स्ट्रैंड जो हट गया था वो फिर से पास पास आ जाते हैं। फर्दर टू डैश ओ एच
ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इज अ रिएक्टिव ग्रुप एंड मेक आरएनए लायबल एंड इजीली डिग्रेडेबल। ठीक है, तो याद है ना आरएनए में एक ओएच ग्रुप ज़्यादा होता था जो पेंटोज शुगर होता था ना, पेंटोज शुगर याद आ रहा है, जो पेंटोज शुगर था तो पेंटोज शुगर की ये जो इस वाले पोजीशन पे एक ओएच ग्रुप ज़्यादा था, तो ये जो ओएच ग्रुप पेंटोज शुगर में ज़्यादा होता है यानी आरएनए में, पेंटोज शुगर कहाँ पे था, आरएनए डीएनए दोनों में था, तो वो जो डीएनए वाले में तो ओएच नहीं होता था इसीलिए उसको डीऑक्सीराइबो बोलते थे, और आरएनए में होता था इसीलिए उसको राइबोन्यूक्लिक बोलते थे। तो कह रहा है आरएनए में जो एक 2-OH ग्रुप होता है इसकी वजह से आरएनए का न्यूक्लियोटाइड रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से आरएनए में स्टेबिलिटी थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू डीएनए, जिसकी वजह से ये आसानी से डिग्रेडेबल यानी ख़राब हो सकता है। फिर वह कि आरएनए में जो एक्स्ट्रा ओएच होता है वो ओएच आरएनए को रिएक्टिव बना देता है, और रिएक्टिव बना देगा मतलब किसी और के साथ जाके वो रिएक्शन कर लेगा, तो रिएक्शन करेगा तो स्टेबल है नहीं, स्टेबल मतलब कौन जो रिएक्शन ना करे वो होता है स्टेबल, और अगर रिएक्शन कर जाएगा तो वो स्टेबल नहीं है, तो यानी आरएनए स्टेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू डीएनए। ठीक है, आरएनए इज़ आल्सो नोन टू बी कैटालिटिक, कि आरएनए को हम कैटालिटिक के नाम से भी जानते हैं, तब कैटालिटिक है तो सीधी बात है वो रिएक्टिव होगा तभी कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है, तो वही देखिए आगे लिखा हुआ हैंस रिएक्टिव, कि अगर कैटलिस्ट होगा तो सीधी बात है वो रिएक्ट करेगा तभी तो कैटालिटिक की तरह काम करेगा, कैटालिटिक मतलब रिएक्शन को बढ़ाएगा, रिएक्शन को तेज करेगा, तो तेज कब करेगा जब वो खुद ही रिएक्शन नहीं करेगा तो किसको तेज कराएगा। क्लियर हुआ, देयरफॉर डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू डीएनए। क्लियर हुआ कि अगर आरएनए के ओ सॉरी यहाँ कंपेयर टू आरएनए मैं गलत बोल दिया हूँ कि डीएनए तो ऊपर है, कि डीएनए ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है यानी लेस रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली भी स्टेबल है यानी कि उसका स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू आरएनए, इससे पहले थोड़ा गलत बोल गया था मैं, ठीक है ना, यानी आरएनए के कंपेरिजन में डीएनए अच्छा है जेनेटिक मटेरियल के लिए। देयरफॉर अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड द डीएनए इज़ बेटर जेनेटिक मटेरियल। तो इस तरीके से हमने आरएनए वर्सेस डीएनए डिस्कस कर लिया है कि इस तरीके से क्या है जो डीएनए है अच्छा जेनेटिक मटेरियल। और भी देखिए क्या कह रहा है, इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल ऑल्सो कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। क्लियर हुआ कि जो डीएनए में थायमिन होता है ना यूरेसिल की जगह पे, डीएनए में क्या होता है यूरेसिल की जगह पे थायमिन होता है, तो कह रहा है ये थायमिन जो है ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू यूरेसिल, तो जिसकी वजह से डीएनए को एक और स्टेबिलिटी मिल जाता है। देखो चलिए आइए आगे देखते हैं, फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट फास्टर रेट। क्लियर हुआ, तो म्यूटेट मतलब होता है चेंज, म्यूटेट को हम ऐसे कह सकते हैं चेंज बदलाव, और ये म्यूटेशन काफ़ी लंबे टाइम पे होता है, ऐसा नहीं कि साल दो साल में बदल जाएगा, ठीक है, 100-100 साल 200-200 साल लग सकता है, हजारों साल भी लगता है कई बार म्यूटेशन में। ठीक है, तो कह रहा है डीएनए और आरएनए दोनों ही म्यूटेट हो सकता है यानी दोनों में चेंज हो सकता है, लेकिन जो आरएनए है काफ़ी अनस्टेबल है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डीएनए, तो जितना ज़्यादा अनस्टेबल यानी उतना ज़्यादा रिएक्टिव, अब उतना ज़्यादा रिएक्टिव मतलब उतना जल्दी से चेंज होगा। क्लियर हुआ, तो वही देखिए लिखा हुआ है आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट फास्टर, कि जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा उतना तेज़ी से रिएक्शन करेगा मतलब उतना ही ज़्यादा इसमें चेंज होगा। ठीक है, Consequently, viruses having RNA genome and having shorter life span mutate and evolve faster. तो कह रहा है इसी तरीके से देखो वायरस के पास RNA होता है जेनेटिक मटेरियल, तो इसका लाइफ स्पेन भी कम होता है और म्यूटेट फास्टर इवॉल्व फास्टर। ठीक है, तो म्यूटेट इसमें चेंज ज़्यादा होगा, अब चेंज ज़्यादा होगा तो फिर इवॉल्व फास्टर यानी तेज़ी से इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन मतलब उसमें चेंजेस होगा। ठीक है,
आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कि आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बनता है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप होता है डीएनए, फिर डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनता है। तो अब आरएनए अगर ऑलरेडी है तो डायरेक्ट आरएनए से प्रोटीन बन सकता है। हैंस कैन ईजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, तो इस तरीके से कैरेक्टर भी आसानी से शो हो जाता है। जबकि डीएनए में क्या होता है, डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लेकिन डीएनए में क्या होता है, ये डीएनए डिपेंड होता है आरएनए में, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनेगा तब जाके प्रोटीन बनेगा, यानी कि अगर आरएनए नहीं बना तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं डीएनए का। क्लियर वा? द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मैकेनरी हैज़ इवॉल्व अराउंड आरएनए, द अबव डिस्कशन इंडिकेट दैट बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन एज अ, किसकी तरह फंक्शन कर सकता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह। क्लियर वा? बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रीफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आरएनए इज बेटर। तो कह रहा अगर जेनेटिक की बात करें, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए तो डीएनए अच्छा है, क्योंकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, मतलब जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर ट्रांसमिशन बात करें, ट्रांसमिशन मतलब वही प्रोटीन बनेगा तभी उसका ट्रांसमिशन होगा, तो इसके लिए कौन बेटर है, आरएनए बेटर है, क्योंकि आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन बना देता है। क्लियर हुआ? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और टॉपिक है हमारा आरएनए वर्ल्ड। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।